हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एसबीके लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और बहुत दिलचस्प होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये चेंजेज अराउंड अस पर आधारित है कि हमारे आसपास में हम देख रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। हम इस परिवर्तन के मतलब मूक दर्शक होते हैं कई बार, और हम देख सकते हैं कि कितने तरह का चेंज होते रहता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अंडर गोज ए चेंज। वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस, एट होम, इन स्कूल, इन प्ले ग्राउंड एंड एट अदर प्लेसेस। द पिक्चर्स वी आर सीइंग, द चेंज ऑफ पिक्चर वी मे कम अक्रॉस विद द चेंजेस एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर वी मे अंडरस्टैंड द चेंजेस। हम अपने स्कूल में, खेल के मैदान में या दूसरे जगह पर भी देख सकते हैं, इन परिवर्तनों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चेंज का क्या डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। तो चेंज एक फेनोमेनन है। कैसा फेनोमेनन है? तो इसके माध्यम से इस कोई भी वस्तु के हम देख सकते हैं शेप में परिवर्तन हो सकता है, साइज में, पोजीशन में, या मतलब एट टाइम और उसके कंपोजिशन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसको हम अगर अंग्रेजी में बात करें तो हम कह सकते हैं, चेंज देयर फोर इज ए फेनोमेनन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट मे बिकम डिफरेंट इन इट्स शेप, साइज, पोजीशन एंड एट टाइम्स इवन इन इट्स कंपोजिशन। तो फिर से इस डेफिनेशन को आप देख लीजिए। चेंज देयर फोर इज ए फेनोमेनन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट मे बिकम डिफरेंट इन इट्स शेप, साइज, पोजिशन एंड एट टाइम्स इवन इन इट्स कंपोजिशन। तो शेप में या साइज में या पोजिशन में या समय में परिवर्तन तो हो ही सकता है, और कई बार इसके संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अब हम परिवर्तन को ये हम समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट अकर अराउंड अस वी ऑफन क्लासीफाई देम इन थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरी में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है हमारा वो है स्लो एंड फास्ट चेंज। तो इसमें कोई परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है और कोई बहुत परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो इनमें हम देखेंगे कौन सा परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और कौन सा परिवर्तन बहुत तेज होता है। जैसे कि मतलब दूध से हम दही जमाते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं थोड़ी मात्रा दही का। तो क्या हम दूध में अगर दही डाल देते हैं जमने के लिए तुरंत तो नहीं जम जाता है? जमने में तो समय लगता है ना। तो ये क्या है? ये स्लो मतलब चेंजेज का उदाहरण है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और अगर मतलब हम कोई पेपर में आग लगा दें तो क्या होगा? वो तुरंत जल जाता है। तो ये फास्ट चेंजेज है। इसी हिसाब से अगर हम दूध में लेमन के जूस को डाल दें तो उससे जो दूध फट जाता है और उससे हम जो चीज़ बना लेते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ चीज़ क्या है? तो ये हो गया मतलब फास्ट चेंजेज का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से हम परिवर्तन को समझ सकते हैं। और मतलब अगर हम बात करें स्लो चेंजेज का, तो द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। जैसे मतलब सीजन, चेंज ऑफ सीजन है तो ये क्या है? स्लो चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट है तो क्या है? स्लो चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसको हम हिंदी में जंग लगना कहते हैं। तो मतलब जो आयरन है वो फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि तुरंत उस पर पानी पड़ा तुरंत एक मिनट में उस पर रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है। तो उसमें तो ये सब स्लो प्रोसेस का उदाहरण है। और अगर हम फास्ट चेंज की बात करें तो उसको डिफाइन किया गया है द चेंजेज दैट टेक प्लेस क्विकली और इन ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेज। तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो क्विकली चेंजेज होगा तो उसको हम कहेंगे फास्ट चेंजेज। और अगर मतलब इसके उदाहरण की बात करें, जैसे हम पेपर में आग लगा देते हैं तो उससे राख उत्पन्न होता है, तो क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर स्लो मैंने फास्ट चेंज का उदाहरण है। जैसे हम बल्ब को जलाते हैं तो क्या करते हैं? लाइन स्विच ऑन किए या बल्ब जल गया, तो लाइटिंग ऑफ बल्ब क्या हो गया? फास्ट चेंज हो गया।
एक प्लेट में हम सेब को लेते हैं और उसको हम कटिंग कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, तो ये क्या है, बहुत फास्ट चेंजेज हो गया। द बर्निंग ऑफ ए पेपर, लाइटिंग ऑफ ए बल्ब, कटिंग एन एप्पल, ये सब कौन चीज़ में आएगा, तो ये सब आएगा हमको फास्ट चेंज में आएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे चेंजेज अराउंड रस्ट, उसमें रस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे हम देखते हैं ना लोहा का कोई सिकरी उकरी हो, जंजीर हो, तो उसमें कैसे वो जंग लग जाता है, तो उसको अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं रस्ट इज ए रेडिस ब्राउन सबस्टांस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन। रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग और कवरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स विथ ए लेयर ऑफ जिंक मेटल। तो लोहा पर हम क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या उसको कवर कर देते हैं या उस पर जिंक का लेप चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, उसको हम जंग से इस तरह से हम बचा सकते हैं। अब हम आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेज पर। तो रिवर्सिबल चेंजेज क्या होता है, ए चेंजेज इन व्हिच द सबस्टांस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। अब कोई सबस्टांस है, जैसे कि हम आइस को पिघलाते हैं तो क्या होता है, वाटर हो जाता है, और वाटर को हम फ्रीजिंग कर देते हैं तो फिर आइस बन जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं आइस मेल्ट करके वाटर बनेगा, वाटर फ्रीज होकर के आइस बनेगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, स्विचिंग ऑन ऑफ ऑफ लाइट बल्ब, तो ये सब उदाहरण हो जाएगा रिवर्सिबल चेंज का। मतलब अब एक वस्तु है, उसे हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, एक वस्तु दूसरे में परिवर्तित हुआ तो फिर वो अपने पुराने शेप को प्राप्त कर सकता है, कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल में। और अगर मतलब कैन नॉट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, तो ये हो जाएगा ई रिवर्सिबल चेंज में, ए चेंज। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे इरिवर्सिबल चेंज को, ए चेंज इन व्हिच द सबस्टांस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। अब इसमें परमानेंट चेंजेज हो जाता है, दिस आर परमानेंट चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन इफ द कॉज ऑफ द चेंज इज रिमूव्ड। अब इसका उदाहरण की बात करें हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज का, द चेंजिंग ऑफ डॉ इंटू चपातीस, मेकिंग ए ड्रेस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, गेटिंग ओल्डर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये सब हो जाएगा रिवर्सिबल चेंज में। अब देखिए आप आटा से रोटी बना लिए, तो गुथे हुए आटा से रोटी तो हम बना सकते हैं, लेकिन फिर रोटी से तो आटा नहीं बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज का उदाहरण हो गया। मतलब कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, पुराने स्वरूप में ये, पुराने रूप में ये नहीं लौटेगा। उसी हिसाब से देख लीजिए, एक कपड़ा से जो एक कपड़ा का थान ले लीजिए, या उससे हम उस कपड़ा सूट वूट बना सकते हैं, लेकिन सूट से फिर हम थान नहीं बना सकते हैं। इसी हिसाब से कोई बच्चा है, एक समय के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, तो फिर बूढ़ा आदमी को तो फिर हम जवान में या बच्चा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो गेटिंग ओल्डर भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। दूध से तो हम दही बना सकते हैं, लेकिन फिर हम दही से दूध तो नहीं बना सकते हैं, तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया हमारा इरिवर्सिबल चेंज का। अब हम चर्चा करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज का। तो फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, ए चेंज इन व्हिच नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इज नोन एज फिजिकल चेंज। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हम बल्ब को जलाते हैं, लाइन दे दिए तो बल्ब जल गया, स्विच को अगर हम स्विच ऑन कर दिए तो बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दिए तो फिर बल्ब क्या होता है, फिर पुराने रूप में फॉर्म में आ जाता है। तो स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, व्हेन वी स्विच इट ऑफ इट स्टॉप्स ग्लोइंग। इन दिस चेंज नो न्यू सबस्टांस गेट्स फॉर्म्ड एंड वी कैन गेट बैक द बल्ब टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। इसी हिसाब से हम अगर चीनी को के क्रिस्टल को चूरमन दें, पाउडर फॉर्म में बना लें खल में, तो चीनी तो वही है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित हो गया और पाउडर में आ गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ए चेंज इन व्हिच नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इज नन एज फिजिकल चेंजेस।
अब हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं. बेंडिंग ए कॉपर वायर इनटू डिफरेंट शेप्स इज ए फिजिकल चेंज. तो कॉपर जो है सो कॉपरे है, कॉपर तो चांदी नहीं बन गया, सोना नहीं बन गया. तो हम समझ सकते हैं कि कॉपर डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, दूसरे पदार्थ में तो परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये हमारा फिजिकल चेंजेज हो गया. इसी तरह से ब्रेकिंग ऑफ चाक हो गया या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंजेज में. अब फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं केमिकल चेंजेज का. तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ चेंज इन व्हिच ए न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेज. अब जैसे हम पेपर को जला देते हैं तो राख एक नया सब्सटेंस हो गया, और ये फिर हम उसको पुराने रूप में भी नहीं ला सकते हैं. इसी हिसाब से बर्निंग ऑफ वुड या चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये सब केमिकल चेंजेज का उदाहरण है. तो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म इन केमिकल चेंजेस. और फिजिकल चेंजेज में क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस में चेंज इट्स अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट. अब हम चर्चा कर रहे हैं चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी. कुछ चेंजेज ऐसा होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ LPG. और कुछ चेंजेज ऐसा होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जैसे मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर. इस तरह से वीडियो को